हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टेज इनकोन ऑफिशियल। आज हम लोग के सोसाइटी में विसर्जन है गणपति की, और फिर आज खाना भी है, तो फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग मैं भी जाने के लिए थोड़ा रेडी हो ही रही हूँ, क्योंकि आदम का ये ड्रेस निकल, बेबी ड्रेस हो गए, बेबी का कपड़े निकल के रखी हूँ। लेकिन आदम को भी रेडी होते होते उसको टॉयलेट है, उसको टॉयलेट लेके जाती हूँ कि आदम को कपड़ा पहना, मैं भी फिर मैं ये पहनने वाला ब्लैक कलर, क्योंकि मैं सोचती हूँ साड़ी पहनेंगे, लेकिन साड़ी बच्चे के साथ नहीं जमेंगे, क्योंकि मुझे दूध पिलाना रहेगा। तो फिर इसीलिए एकदम आया, इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, ड्रेस ही पहनूंगी, क्योंकि जो कंफर्टेबल जो मुझे लगेंगे बच्चे के लिए ऐसे पहनूंगी। और फिर ये देखिए आदम, और फिर हाँ बेटा, फिर हम लोग जाएंगे। और फिर आज आदम को भी बहुत सारी, तीन चीज़ों में से जीती थी, उसका भी प्राइस मिलने वाला है आदम को। और हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर नीचे, बेबी से, बेबी जैसे उठेंगे हम लोग ऐसे नीचे जाएंगे। ओके माँ, ऐसे बेबी उठने दो ना, बेबी का नींद पूरा होगा तभी उधर हम लोग अच्छे से रहने देंगे। फिर हम लोग एकदम से नीचे मिलेंगे आप लोग को रेडी होने के बाद अच्छे से, और सबको मिलाते भी है। ठीक है गाइस, आदम रेडी है कपड़े पहन के, और इधर बाबा रेडी है, और इधर मैं रेडी हूँ कपड़े पहन के। ठीक है गाइस, आदम और मैं नीचे होते हैं बेबी के साथ। बेबी ये मैं दिखाई दे रही है, पता नहीं ये देखिए आदम कितना प्यारा लग रहा है, हैंडसम बॉय लग रहा है मेरा। क्या गर्म हो रहा है, बेबी इधर, बेबी बेबी याद है। सब लोग खाना के लिए लाइन लगा रहे, खा भी रहे, इधर बना रहे। ओके माँ, अच्छा मत जल्दी में है, अंकल का कहना है बच्चे अपने अधिकारों से परिचित है। सोलो डांस उसने किया है, त्रिशा कम है, शी इज द बेस्ट डांसर, एंड उसने सोलो किया है, उसने धुनी लिखा झुनरा एंड सैदान। ये हमारी स्नो वाइट आ रही है स्टेज पे, और उसने डांस भी किया था बहुत अच्छा सा। रेट्रो गर्ल थी ये कल के डांस के लिए, उसके पहले झुनरा ने सोलो डांस भी किया है, बहुत धमाकेदार डांस था। और ये जो छोटा है वो अलादीन है उसके साथ, सैदान जो है अलादीन बना था सुनायरा के साथ फैंसी ड्रेस में। उसका कैप्टन था क्विज में और गलत जवाब दिए, कॉन्फिडेंस से गलत जवाब, आदम सीधा पहनो, कॉन्फिडेंस लगता है मुझे। और ये स्नो वाइट ड्रामा में जो है डॉग भी बना था। नेक्स्ट फैजान पोटैटो रेस में फर्स्ट आया है, यही फैजान है, यही सूफियान है। फैजान जो है सना का प्राइस भी कलेक्ट कर रहा है, सना साइकिलिंग में सेकंड आई है, देन थ्री लेग्स में थर्ड आई है, पोटैटो रेस में फर्स्ट आई है। सना शायद पढ़ाई करने बैठी है, अभी एग्जाम है नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट मैं बुला रही हूँ एक छोटी सी पार्टिसिपेंट अनु को, अनु आई है लेमन स्कूल में सेकंड, सीरियसली आप उसके चलने से देख सकते हैं, देखो। देन रनिंग में थर्ड आई है ये, और ये डॉग
थी, बट शी वॉज द ओनली वन जो लिरिक्स लिपसिंग कर रही थी डांस में। रक्तबीज कवर्ड ड्रामा में देवगढ़ बना था और लेमन स्कूल में फर्स्ट आया है विहान। क्या बात है भरत, क्या बात है। सभी मरा लो हो तो पुना लो, याच निर्धारा ना, याच ठिकाणी नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी, गावांना जलयुक्त करण्यासाठी, शहरांचे चेहरे बदलण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी। बस व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। ट्वेंटी अलॉन्ग और शायरी ना हो ये हो नहीं सकता। ये नपुंसकों की फौज में न कोई आजाद पाया जाएगा, तूफान में चलने वाला चिराग है, तुम्हारे फूक से न बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और अगर पकड़ भी दिया तो क्या पकड़ोगे आजाद को। क्या बात है, क्या बात है। विवेश वाकई में कोई पकड़। सानवी डांस करती है तो ऐसे लगता है सानवी को देखते ही रहो। आदम एक और मजा है। आदम लेमन स्कूल में फर्स्ट आया है, साइकिलिंग में सेकेंड आया है, रनिंग में भी फर्स्ट आया है। एंड आदम के अभी दो छोटे छोटे भाई हैं इब्राहिम और ओवेस, उनका प्राइज भी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं बुला रही हूँ C16 से कबीर। C16 कबीर हाँ है नहीं, तो वी गो फॉर नेक्स्ट C17। C17 से अविष्का। इसको भी हमने एज ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, बट फाइनल राउंड में ही प्लेड सो वेल कि फाइनल राउंड मोर देन 1 आवर चला। कल्चरल कमेटी के लिए हम 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे कि गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हेलो गाइस, हम लोग विसर्जन करके गणपति आ गई हूँ। अभी घर पे हम तीनों ऐसे सो रहे हैं, टूटला दांत निकल के हंस के दिखा रहे हैं, और ये मेरे छोटे से बेटी। और गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अरे पूरा बोल, क्या बोलूं। हेलो गाइस, हम लोग उधर गए गणपति में। मैंने उधर डाला ऊपर डाला, बोलो ना कुछ। गाइस अभी आदम मुझे सिखाने के लिए कैसे ब्लॉगिंग करते, देखिए बच्चा कितना समझदार हो गया। और गाइस आदम ने उधर बहुत अच्छा डांस किया, उसको प्राइस मिला, मुझे भी प्राइस मिला। आप लोगों को वीडियो में बना के दिखाते। हाँ बोलो, क्या बोलो। क्या
हाँ, और बेबी ने आदम के हाथ पे सुसु कर दिया गाइस, हाथ पे नहीं पैर पैर पे भी सुसु के। हाँ पिटकारी चू ऐसा। ठीक है गाइस, वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।